हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। बहुत बड़ा चूतिया काटा है भाई इस पिक्चर को देखने के बाद। और मूवी के एंड में डायरेक्टर खुद हमें एज ए नरेशन ये बता देता है कि तुम लोग सीपी हो जो इस पर्टिकुलर मूवी को देखे हो। मैंने अजीब से अजीब मूवीज देखा है, लेकिन यार ये तो हद हो गई है। खैर, आज हम लोग बात करेंगे स्पाइडर हेड, जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। मूवी की ओवरऑल लेंथ 1 आवर 47 मिनट की है, और ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है। जो लैंग्वेज आप प्रीफर करते हो आप लोग देख सकते हो। मूवी को देखने का मेन रीजन था दो एक्टर। सबसे पहले क्रिस हेम्सवर्थ, जो कि हमारे इंडिया में एज अ थॉर फेमस है, और दूसरे माइल्स टेलर, जिनकी मैंने लास्ट मूवी टॉप गन मैवरिक देखी थी। तो उस वजह से मुझे ये दोनों ही एक्टर की मूवी देखनी थी, और मैंने ये मूवी देख लिया। उसके बाद मेरा क्या हाल हुआ वो देख लेना आप लोग इस वीडियो में। खैर मूवी की कहानी सिंपल सी है कि फ्यूचर में स्टीव एब्सेंटी यानी क्रिस हेम्सवर्थ, जो कि एक साइंटिस्ट है, वो एक ऐसी दवाई बनाना चाहते हैं जो ह्यूमैनिटी के काम आए। तो इसीलिए इन दवाइयों का इंसानों पर टेस्ट करें, तो अब वो ऐसे वैसे किसी भी इंसान पर टेस्ट नहीं करेंगे। वो चाहते हैं कि कुछ ऐसे क्रिमिनल्स जो कि ऑलरेडी सजा काट रहे हैं, उनको वो अपने इस रिसर्च सेंटर में लाएंगे और उनके ऊपर ये दवाइयों का रिसर्च करेंगे। अब उन क्रिमिनल्स को ज़बरदस्ती यहाँ पर नहीं लाया, उनकी मर्जी से लाया, क्योंकि जेल में वो लोग कहाँ सड़ रहे। तो यहाँ पर उनको एक अच्छी लाइफ, अच्छा खाना, एसी रूम में, मतलब सब कुछ परफेक्ट रहेगा। बस ये है कि ये भी एक तरह का जेल है, और उनके ऊपर दवाइयों का एक्सपेरिमेंट होगा। और कैसे होगा, उनके बैग में एक तरह का एक डिवाइस बांधा जिसके अंदर वो लोग मेडिसिन डालते हैं। तो उसके बाद उन क्रिमिनल्स लोगों के माइंड और इमोशन के साथ बहुत अच्छी तरह से खेला जाता है इस मूवी में। तब ऐसे में कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। मैं आपको राय देता हूँ कि इस पर्टिकुलर मूवी को मत देखना। हाँ, अगर आप लोग क्रिस हेम्सवर्थ के फैन हो या माइल्स टेलर के फैन हो तो शायद एक बार ट्राई कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोग कुछ हटके अलग देखने की कोशिश कर रहे हो तो ये वो चीज़ नहीं है। हालांकि कॉन्सेप्ट देख कर लगता है कि यार वाह क्या यूनिक चीज़ है, लेकिन आप लोग इस पर्टिकुलर मूवी को देखोगे तो मूवी आपको सबसे बड़ा चूतिया काटेगी। मूवी को मैंने जब रिसर्च किया तो पता चला कि ये मूवी को लॉकडाउन में बनाया। वाकई में जब आप इस पर्टिकुलर मूवी को देखोगे तो आपको लगेगा आया ये लॉकडाउन में ही शूट हुई है, पूरे एक रूम में मूवी। कैन यू इमेजिन, पूरे रूम में, ना कोई खास एक्शन, ना कोई एक ऐसी चीज कि देख के आदमी शौक, कुछ भी नहीं है यार। मूवी में अश्लील सीन्स डाल दिए गए हैं जो कि ठरकी लौंडों को बहुत अच्छे लगेंगे। और मैं क्या बोलूँ यार, मुझे कुछ भी नहीं लगा इस मूवी में देखने लायक। अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो तो क्रिस हेम्सवर्थ ने अच्छा काम किया। वो जो हंसने का जो लोग ने ऐसा, मैं ये एक्टिंग नहीं कर रहा, ये मूवी में हमें देखने के लिए मिला है वो जो हंसने की दवाई होती, तो वो लोग जो हंसते ना, तो वो सब सीन्स मुझे देख के अच्छे लगे क्रिस हेम्सवर्थ के और माइल्स टेलर के। यानी कि परफॉर्मेंस मामले में दोनों ही एक्टर आपको निराश नहीं करते। उनके अलावा वो नेथन भी हमें देखने मिला जो WWE में आया था, अभी तो और भी ज़्यादा झंडा लोग है यार। खैर, उसके बाद जो सपोर्टिंग एक्टर सब लोग ने ठीक ठाक काम किया, डायरेक्शन भी अच्छा है, लेकिन ऑडियंस को एज ऑफ द सीट ये मूवी नहीं रख पाती, एटलीस्ट मुझे नहीं रख पाई। ओवरऑल मैं तो बोलूँगा आप अपना टाइम वेस्ट मत करो इस पर्टिकुलर मूवी के लिए। मैं इस मूवी की कोशिश के लिए दूंगा 4 out of 10, डेफिनेटली इट्स अ चूतिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, पेरेंटल गाइडेंस जैसे कि मैंने कहा, इसमें अश्लील सीन्स है तो मत देखना फैमिली के साथ, अकेले देखो। बस बाय।